और वहीं लोकसभा से आज 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। कल दोनों सदनों से 92 सांसद सस्पेंड हुए थे। संसद के शीत सत्र में इस तरह अब तक 141 विपक्षी सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। हंगामे के चलते विपक्षी सांसदों पर यह कार्रवाई की गई। आज लोकसभा से 49 सांसद सस्पेंड किए गए। कल दोनों सदनों से 92 सांसद निलंबित हुए थे। इस तरह संसद के शीत सत्र में हंगामे के चलते अब तक 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। मंगलवार की कार्रवाई के तहत जिन बड़े चेहरों पर गाज गिरी, उनमें एनसीपी से सुप्रिया सुले, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, मनीष तिवारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव, बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली शामिल हैं। इट इज नथिंग बट एन एनार्की बीइंग प्लेड इनसाइड द पार्लियामेंट। Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy inside the parliament. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है भारत के लोकतंत्र का। पूरे विपक्ष को निलंबित करके ऐसे कानून पारित किए जाएंगे जो भारत को एक पुलिस स्टेट में परिवर्तित कर रहे हैं। और निलंबित होने के बाद फारूक अब्दुल्ला और डिंपल यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। आइए सुनिए। आज निलंबित किए गए सांसदों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव के नाम भी शामिल हैं। इस कार्रवाई पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मुझे ये बताओ, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहाँ हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। सुनाते हैं आपको सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा। अब्दु समंद समदनी, श्री मनीष तिवारी, श्री प्रद्युत बारोदोलाई, श्री गिरधारी यादव, श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री थोल तिरुमावलम, श्री चंद्रशेखर प्रसाद, श्री आलोक कुमार सुमन, श्री दिलेश्वर कामत एमपी इन अटर डिसरिगार्ड टू द हाउस एंड अथॉरिटी ऑफ द चेयर इंक्लूडिंग बाय डिस्प्ले ऑफ प्ले कार्ड्स एंड एंटरिंग इनटू द वेल ऑफ द हाउस एंड हैविंग बीन नेम्ड बाय द चेयर रिजॉल्व दैट द अबव मेंशनड मेंबर्स मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी लोकसभा से निलंबित हो गए। दोनों ने मीडिया से बात किया, ये आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। That's right. So they've suspended another 42 people today. It's clear they want an opposition mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. भी ये तो देखा दे, ये जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले, सबके लिए ही है।